मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर किया हवन व पूजन। प्रदेश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ की कामना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। 200 फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारी को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जनपद में अभी सुबह व शाम के समय रहेगा घना कोहरा, अभी कुछ दिनों तक रहेगी इसी तरह से ठंड, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना की पुलिस टीम ने ठगी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपी अभियुक्त फर्जी तरीके से जमीन बैनामा कराने का करते थे कार्य। सीएम योगी ने नगर निगम की तरफ से आयोजित सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान सम्मेलन में किया शिरकत। विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास लोकार्पण की दी सौगात। सफाई मित्रों हेतु ई सेवा पोर्टल, 10 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा सुविधा एवं कल्याण कोष का किया शुभारंभ। गोरखपुर के तिवारीपुर थाना की पुलिस टीम ने ई रिक्शा चोरों के सातिर गैंग का किया सनसनीखेज खुलासा। पुलिस टीम ने चोरों के सरगना अकरम शेख समेत 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए चोरों के पास से चोरी की गई ई रिक्शा हुई बरामद, भेजा जेल। टेडी बियर बने लड़के को लड़की ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, जांच में जुटी पुलिस। द इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून के वाइस प्रिंसिपल व वाइस हाउस मास्टर मनोज सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि द इंडियन पब्लिक बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को दी जा रही अच्छी शिक्षा स्कूल गुरुकुल की तर्ज पर कर रहा है कार्य। अयोध्या दास गर्ल्स इंटर कॉलेज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी का परीक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पीएम मोदी ने बोर्ड परीक्षा को लेकर बच्चों का बढ़ाया मनोबल। रामसभा की जमीन को भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने से रसूलपुर व गोपालपुर वार्ड हुआ जलमग्न। मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम, अतिक्रमणकारियों पर चलाया बुलडोजर, लगाया जुर्माना। अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने SDM सदर को कार्यवाही के लिए लिखा पत्र।